प्रयागराज में थरवई इलाके में एक ही परिवार के 5 लोगों की सामूहिक हत्या का मामला अब सियासी रंग लेने लगा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल प्रयागराज पहुंचा और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। टीएमसी के राज्यसभा सांसद डोला सेन के नेतृत्व में टीएमसी का 5 सदस्यीय डेलीगेशन प्रयागराज गया। इस डेलीगेशन मंडल में अब सीएम ममता बनर्जी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। परसों रात जो हुआ था बहुत दुखद की बात है। ये सुनील जाधव जी हैं, इसका पिताजी, इसका माताजी, इसका वाइफ, इसका विकलांग बहन और इसका 2 बरस की बच्ची, सबका, महिलाओं का, उसका बहू का और बहन का बलात्कार भी हुआ। सुनील जी खुद बोल रहे हैं। और सबको मार भी दिया गया और जला भी दिया गया। घर में आग लगाया बाद में, मारने का बाद और बलात्कार करने का बाद घर में आग लगाया। कुंडा में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने का अभियान जारी है। इसी क्रम में एचियाधो कस्बे में तालाब से अतिक्रमण हटाया गया। वहीं सड़क पर अतिक्रमण करने वाले बाउंड्री वॉल और पक्के निर्माण भी ढहाए गए। साथ ही चेतावनी दी गई कि आगे से अतिक्रमण ना करें, वहीं वरना कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में अब इन अतिक्रमण कार्यों में हड़कंप मच गया है। तो उन्होंने बाउंड्री निर्माण कर लिया था जी, तो उन लोगों को पहले भी वक्त दिया गया था लेकिन बाउंड्री उन लोगों ने नहीं तोड़ी थी जी, तो उन लोगों के खिलाफ आज बाउंड्री हटवा दी गई है। तालाब के अंतर्गत आज एक और कार्रवाई की गई है जी, वहाँ पे पहले भी उनको नोटिस दिए गए थे, बेदखली भी हुई थी जी, उसके बाद भी उन लोगों के द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया। अतिक्रमण हटाया गया है तो कुछ पक्का निर्माण है उसके लिए उन लोगों को टाइम दिया गया है, जिससे क्योंकि घर पूरा बना हुआ है वो पूरा ध्वस्त हो सकता है, जितना हटाना है उनको बता दिया गया है, अगर वो 7 दिन में नहीं हटाते हैं तो फिर कार्रवाई।